Oh boy. अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हाल है? खैरियत से? वेलकम टू बैक, क्या नाम है, न्यू व्लॉग। हमारा एक दोस्त है कुलीग, जो कि वो आपको बताएगा मतलब किस तरह वीडियो बनानी है और ज़्यादा किस तरह आप सही वायरल हो सकते हैं। काइंडली प्लीज अदनान, आप बता सकते हैं? देखें व्यूअर्स फहद के स्पेशली, देखें आपने ना, अगर वायरल होना है तो आपने अगर जो वीडियो आप व्लॉग वगैरह बनाते हैं आप उसको ना डायरेक्ट ना ऐसे ही डाल दें, मतलब कि आप कोई एडिटिंग नहीं करें, क्योंकि आपके व्यूवर्स को ना एडिटिंग, मतलब एडिटिंग ये चीज़ होती है कि आपने एक चीज़ को और अच्छा बनाना है। पर आप जब खुद वीडियो बनाएंगे ना तो आप कोशिश करा करें कि मैं अच्छी बनाऊँ। जब आप एक रियल चीज़ डालेंगे अपने चैनल पर, जो आपके व्यूवर्स होंगे वो देखेंगे तो बोलेंगे कि यार इसने ना कोई एडिटिंग वगैरह नहीं की हुई, ये एक रियल चीज़ डाल रहा है और रियल चीज़ हमेशा लोग देखते हैं। तो ये मेरा इनको सजेशन है कि आप अपनी ना रियल चीज़ डालें जो भी डालें। थैंक यू सो मच। अच्छा, मेरा है इससे सवाल कि एक जब आप व्लॉग बना रहे होते हैं तो उसका एक स्टार्टअप होता है और एक एंड होता है, तो इसका जवाब आप अदनान भाई से दोबारा लीजिएगा। देखिए वो वब होता है कि आप हो गए वायरल, अब आपको आपके व्यूवर्स को चाहिए अच्छी चीज़, तो आपने ना उसके अंदर फिर आपने अपने स्टार्टिंग में अपने पैन अपने चैनल का जो भी आपका लोगो वगैरह है, जो भी आपका स्टार्टिंग है वो आपने डालना है, ठीक है। उसके बाद सेंटर में आपने अपना जो भी ब्लॉगिंग करते हैं वो डालना है, फिर उसके एंड में आपने वापसी अपने चैनल का टाइटल देना है और कहना है कि सब्सक्राइब और लाजमी करिएगा, ठीक है। तो आप पहले रियल चीज़ें डालें, फिर आप अगर सक्सेस हो गए इंशाल्लाह हो जाएंगे तो आपकी मेहनत काम आएगी, आप मेहनत करें बस। जी बिल्कुल, मेरा भी यही मोटिव है, मतलब मेहनत करो, कुछ भी है कोई अच्छी डालें, कोई किसी काम करते हुए डाल दें या अपनी कोई फनी डाल दें या कुछ बता रहे हैं, शेयर करना चाहते हैं अपने लाइफ के बारे में, ये भाई मेरा ये एक्सपीरियंस है, मेरा ये शेयरिंग है, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ अपने क्या नाम के मतलब मैं अपने व्लॉग में। माजद के साथ थोड़ा अटक जाता हूँ, यह मैंने आपको पहले भी एक व्लॉग में बोला था, लेकिन अल्लाह भला करेगा, अल्लाह हमें कामयाबी देगा। तो आप कुछ बोलना चाह रहे हैं अदनान भाई दोबारा? ये जो अटक जाते हैं ना, ये इनकी मतलब कि ये तो बचपन से ही है, आप इसको ना बदल सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, ये तो आपकी एक नेचर है, मतलब आप तो बोलते ही ऐसे हैं, एक मतलब थोड़ा बहुत अटकते हैं, इतना नहीं अटकते, ये कोई अल्लाह की तरफ से, ये आप कोई जानबूझ के तो नहीं करते। थैंक यू सो मच अदनान भाई। अच्छा, मेरा एक दोस्त खड़ा हुआ है हम्माद भाई, इनसे भी थोड़ा सा ले लें आप प्लीज। उमर भाई अपना को इंट्रो दे दें, फिर मैं अपना व्लॉग आइट करूं। मैं इनके साथ खुद ही काम करता हूं, मोहम्मद फाद बहुत प्यार कर रहे हैं, बोलो इसके प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट शेयर करें, लाइक करें, कमेंट शेयर। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।